यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल साथियों आज हम बात करेंगे एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम शिक्षा पोर्टल पर साथियों मैनेजमेंट सिस्टम वही है जिसमें न्यू एडमिशन और क्लास अपडेशन की प्रक्रिया होती है और इसी मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर शालाओं के नामांकन की रिपोर्ट भी तैयार होती है तो आइए जानते हैं नवीन शैक्षणिक सत्र तेईस चौबीस में मैपिंग और क्लास अपडेशन की क्या प्रक्रिया होगी चलना होगा शिक्षा पोर्टल डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन और यहाँ पर शाला प्रभारी लॉग इन करेंगे अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से या फिर लॉग इन कर सकते हैं ब्लॉक के ऑपरेटर लॉग इन से दोनों में फर्क इतना है कि अगर शाला प्रभारी लॉग इन से हम लॉग इन करेंगे तो हमें अपने स्कूल का डिटेल्स आएगा और अगर ऑपरेटर लॉग इन से हम लॉग इन करेंगे तो हमें यहाँ पर ब्लॉक के सारे स्कूल दिखाई देंगे तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर साथ ही उस तरह से हमने शिक्षा पोर्टल डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन एक ब्राउजर में ओपन कर ली है साथ ही इस साइट को अब हमें लॉग करना होगा अगर हम शाला प्रभारी हैं तो अपने लॉग आईडी और पासवर्ड का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे प्राइवेट स्कूल अपने प्राइवेट स्कूल के लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और ब्लॉक स्तर पर ऑपरेटर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध हैं चलिए लॉगिन करते हैं शाला प्रभारी के यूनिक आईडी और पासवर्ड से क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉग इन पेज आ जाएगा यहाँ पर आप यूज़र आई और पासवर्ड एंटर करना है अगर आप शाला प्रभारी हैं तो आप अपना यूनिक आई और पासवर्ड से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ पर लॉग इन बटन दबा देंगे साथ ही बिल्कुल यही प्रोसेस आप मोबाइल पर करेंगे तो उस पर भी आप कर पाएंगे लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको क्लिक कर लेते हैं क्लिक हो जाने के बाद एक नया पेज आएगा और यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखेंगे दो तरह के ऑप्शन पहला न्यू एडमिशन और दूसरा है प्रोमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू एडमिशन को एक बार क्लिक कर लेते हैं न्यू एडमिशन वो एडमिशन है जो पहली बार हमारे शिक्षा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं यानी ऐसे बच्चे जो कक्षा एक में या ऐसे बच्चे जो कभी शाला में नहीं रहे उनको ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन का हम यूज करेंगे यहाँ पर एकेडमिक ईयर आपको सिलेक्ट करना है वर्तमान एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं तेईस इसके बाद यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी आपको लिखना है समग्र आईडी लिखने के बाद कैप्चा कोड डाल के अगर आप शो स्टूडेंट डिटेल करेंगे जिस बच्चे की समग्र आईडी है उस बच्चे की डिटेल्स यहाँ खुल जाएगी और आप इसको सेव करेंगे तो ये बच्चा आपके स्कूल में अपडेट हो जाएगा अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन ये है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास ऐसे बच्चे जो पहले से अध्ययनरत थे और उनको हमें अगली क्लास में प्रमोट करना है एक बार इसको भी देख लेते हैं जैसे हम दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर गए तो यहाँ पर उस स्कूल की डिटेल्स आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक स्कूल चलता है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा स्कूल का डाइस कोड भी आ जाएगा नीचे वाले पोर्शन में आपको एकेडमिक ईयर भरना है यहाँ पर हम करेंट एकेडमिक ईयर भर देते हैं इसको भर देने के बाद अब यहाँ पर आपसे प्रीवियस क्लास पूछी जा रही है यानी आप जिस क्लास के बच्चे को अपडेट करना चाहते हैं आपको वो क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करना है यहाँ पर अगर आप फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये बच्चे प्रमोट होकर सेकेंड क्लास में चले जाएंगे अगर आप सेकेंड क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये बच्चे थर्ड में चले जाएंगे इस तरह से जो भी क्लास दिख रही हैं इसके बच्चे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट क्लास में इस वाले ऑप्शन से शिफ्ट हो जाएंगे चलिए एक बार देख लेते हैं क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स और ट्रांसजेंडर इस तरह के फिल्टर यहाँ पे दिए हुए हैं अगर आप इनका उपयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं इसके बाद कैटेगरी का फिल्टर है एस सी एस टी ओ बी सी और जनरल आप यहाँ पर ये फिल्टर लगाना चाहते हैं इन फिल्टर का आप यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं और आप इनमें से कोई भी फिल्टर यूज नहीं करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ दिख रहे हैं आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए और शो स्टूडेंट क्लिक कर दीजिए सो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लास हमने सेलेक्ट की थी उस क्लास के सारे बच्चे के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे अब यहाँ पर आपको करना क्या है जिस भी क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास के बच्चे के सामने यहाँ पर आपको रिजल्ट लिखना है बच्चा अगर पास हो गया है तो आपको पास लिखना है फेल हो गया है तो आपको फेल लिखना है और नॉट अवेलेबल है तो आप उसको ये वाला देंगे यानी तीन ऑप्शन है आपको तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है अगर बच्चा पास हो गया है तो आपको यहाँ पर उसकी पास परसेंटेज भी लिखना है और पास परसेंटेज लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये लिखना है कि बच्चा आपके ही स्कूल में प्रमोट हुआ है या आपके स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में चला गया है अगर बच्चा आपके ही स्कूल में अगली कक्षा में प्रमोट हुआ है तो आप उसको सेम स्कूल क्लिक कर देंगे अदरवाइज़ आपके स्कूल से कहीं और टीसी लेकर चला गया है तो आप इसको यहाँ पे अदर टिक कर देंगे इस तरह से आपको सभी बच्चों की जानकारी यहाँ पर भरना है रिजल्ट क्या रहा आपको उसका आंसर देना है परसेंटेज कितनी है आपको वो भी लिखना है और स्कूल स्टेटस क्या है आपको ये भी यहाँ भरना है जब ये सब भर लेंगे तो आपको लास्ट में जाना है कैप्चा कोड भर के और रजिस्टर स्टूडेंट करेंगे तो ये बच्चे जितने भी थे अगली क्लास में प्रमोट होकर सेव हो जाएंगे मैपिंग और इनोलमेंट के लिए बस इतना ही हमें करना है उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग